स्टूडेंट्स तो शुरू करें बायोटेक्नोलॉजी एंड के डिस्कशन क्या क्या होता है प्लांट फ्रॉम दैट सेल कुछ तो सही है देखते हैं प्रोड्यूस आफ्टर प्रोटोप्लास्ट प्रोट फ्यूजन इन आर्टिफिशियल मीडियम ग्रोथ इन आर्टिफिशियल मीडियम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इन द फील्ड प्रोड्यूस बायमैटिक एम्ब्रियो आर्टिफिशियल नहीं देखो सीधा सीधा आंसर है ट्रांसजेनिक प्लांट बना रहे हो ना स्टूडेंट्स तो तुम्हें फॉरेन जीन ऐड करना पड़ेगा नंबर वन और उससे एक नया प्लांट बन जाएगा तो सीधा सीधा आंसर तो ए हो गया बाकी देखो थर्ड और ऑप्शन देखो कि पहले हाइब्रिडाइजेशन करा दो फील्ड में और फिर उसे आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करो नहीं हम आर्टिफिशियल मीडियम में हाइब्रिडाइजेशन करा के फील्ड में फिर भी ग्रो कर सकते हैं अगर हम प्रोटोप्लास्टिक फ्यूजन या टिश्यू कल्चर वगैरह कर रहे हो लेकिन इसमें बेस्ट पॉसिबल आंसर सीधे सीधे दिख रहा है कि फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कराओ और उसके बाद में आगे काम करो सिंपल है अ इम्प्रूव वेराइटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस बासमती राइस ट्रांसजेनिक भैया बासमती राइस के बारे में क्वेश्चन आ रहा है तो देखो सीधी सी बात है जो हमारा ट्रांसजेनिक राइस है ट्रांसजेनिक राइस उसका नाम है गोल्डन राइस ठीक है क्या प्रेजेंट है उसके अंदर बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन क्या करता है वाइटमिन ए का प्रीकर्सर है वाइटमिन ए का प्रीकर्सर है जो कि क्या ठीक करेगा नाइट ब्लाइंडनेस को ठीक करेगा नाम इसका गोल्डन राइस क्यों है इसके कैरेक्टरिस्टिक कलर के कारण बस यही सब क्वेश्चन आते हैं गोल्डन राइस के ऊपर तो सीधा सीधा अब आंसर ऑप्शन ढूंढ लो गिव हाई एज इज रिच इन वाइटामिन ए सीधी सी बात है हो गया अरोमा नहीं कंप्लीटली रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का कोई रिलेशन नहीं है केमिकल फर्टिलाइजेशन का कोई रिलेशन नहीं है ग्रोथ हार्मोन का कोई रिलेशन नहीं है वाइटामिन ए की बात है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बी टी कॉटन बी टी कॉटन के बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि लॉन्ग फाइबर्स है रेजिस्टेंट टू एफिड्स है मीडियम है यील्ड लॉन्ग फाइबर्स है रेजिस्टेंट टू पेस्ट है हाई यील्ड है प्रोडक्शन कर रहा है टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल्स का जो कि डिप्टेरेंस को मारता है हाई यील्ड है और रेजिस्टेंट टू बॉल वॉर्मस है देखो लॉन्ग फाइबर्स मीडियम और लॉन्ग लॉन्ग फाइबर्स का तो कोई रिलेशन नहीं है हमने नहीं पढ़ा राइट right? अगर ये रेजिस्टेंट है तो इसकी यील्ड बढ़ जाएगी तो मीडियम यील्ड भी नहीं होगा देखो पहला वाला नहीं होगा लॉन्ग फाइबर्स का कोई रिलेशन नहीं है मीडियम यील्ड नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं है सी और डी सी और डी में बेस्ट ऑप्शन कौन सा स्टूडेंट सी है क्योंकि यहाँ पे डिटेल में बता रखा है कि टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल्स बन रहे हैं बीटी कॉटन में यही तो होता है और ये डिप्टेरेंस को मार देते हैं लेपटॉप टेरेंस डिपटेरेंस ये सब पढ़ा है ना अपन ने बस जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बिन सक्सेसफुल यूज फॉर प्रोड्यूसिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग किसके लिए यूज करते हैं ट्रांसजेनिक माइस को बनाने के लिए पोलियो वैक्सीन के लिए ठीक है सही है ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम यूज करते हैं ट्रांसजेनिक मॉडल्स फॉर इन स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट डिजीजेस फॉर सर्टेन कार्डियक डिजीजेस कार्डियक डिजीजेस था क्या वहाँ पे याद करो सिस्टिक फाइब्रोसिस था रोमेटॉइड आर्थराइटिस था फिनाइल कीटोन यूरिया था कार्डियक डिजीजेस नहीं था वहाँ पे जो नाम लिखे हुए थे ट्रांसजेनिक काउ रोजी बिच प्रोड्यूस हाई फैट हाई फैट था नहीं अल्फा था तो ये भी नहीं है. -like work, नहीं कोई सुपर पावर नहीं होती सी बात है हम ताकि हम वैक्सीन सेफ्टी कर सके मॉडिफाइड ब्रिंजिल इन इंडिया हैजॉ देखो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजिल है उसका नाम है बीटी ब्रिंजिल जैसे बीटी कॉटन है ना वैसे ही बीटी ब्रिंजिल भी है तो बीटी कॉटन किसके लिए है इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए है बीटी ब्रिंजल भी इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगी सेम बैसिलस थरजाइन से सेम प्रोटोटॉक्सिन बनेंगे इनएक्टिव क्रिस्टल्स होंगे हैं जो कि बाद में अल्कलाइन गट में जाके एक्टिव हो जाएंगे सेम चीज द प्रोसेस ऑफ आर एन ए इंटरफेरेंस हैज बीन सूड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंस टू आर इंटरफेरेंस आर आई या आर साइलेंसिंग कहा पढ़ी है अपन ने किसके लिए पढ़ी है नेमेटोड्स के लिए पढ़ी है, है. रिवाइज कर लेते हो देखो आर एन ए साइलेंसिंग आर एन ए इंटरफेरेंस किसका है यू का डिफेंस मैकेनिज्म है इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम एक सोर्स जिनोम लेंगे सोर्स क्या लेंगे या तो एक वायरल आरएनए एन जिनोम लेंगे या फिर हम एक ट्रांसपोसोन लेंगे और उससे ट्रांसपोसोन और उससे हम क्या करेंगे उससे हम ऐसा डीएनए उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे कि वो जो नेमेटोड का एमआरएनए बन रहा है उसके साथ में डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाए क्या बन जाए डबल स्टैंडर्ड आरएनए और फिर आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होगा हमने क्या कर दिया आरएनए साइलेंसिंग कर दिया यह किसके लिए होता है ये नेमेटोड्स के लिए होता है कौन सा नेमेटोड मिलोइडी मिलोइडी गाइनी इन कॉग्नेटा मिलोयडी गायनी इनकाग्नेटा जो कि किसको अफेक्ट करता है

कंज्यूम कंजम्पन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज प्रीवेंट द कांड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड वाइटमिन ए गोल्डन राइस नाइट ब्लाइंडनेस सब हो गया पढ़ लिया अपन ने विच ऑफ़ द फॉलोइंग बी टी क्रॉप हैज बीन ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर्स कॉटन अब देखो बी टी ब्रिंजिल भी है बी टी कॉटन भी है बट इंडिया में ज़्यादा बी टी कॉटन उगाई जाती है और एक क्वेश्चन और आता है मे बी अभी तक आया नहीं है बट येस पॉसिबिलिटी है समझ लो बस क्वेश्चन आता है कि बी टी कॉटन या बी टी हम बहुत ज़्यादा क्यों यूज़ नहीं करते फार्मर्स बहुत ज़्यादा बीटी कॉटन बीटी प्रिंजल यूज़ क्यों नहीं करते इतनी बढ़िया चीज़ तो है इंसेक्ट रेजिस्टेंस है सब कुछ है उसका रीज़न है एक्चुअली में ये जो बीटी जीन है ये बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो जो सीड्स नए बन रहे हैं उनके अंदर बीटी जीन प्रेजेंट नहीं है उनके अंदर बीटी जीन प्रेजेंट नहीं है तो एक जनरेशन में तुम सीड्स लेकर आ गए तुमने उनको उगा दिया तुम तो क्या एक्सपेक्ट करोगे कि उसके जो सीड्स पैदा हों वो सीड्स भी रेजिस्टेंट होने चाहिए उनके अंदर भी बीटी जीन प्रेजेंट होगा बट वो तो नहीं है तो इसका मतलब तुम्हें हर बार हर फसल को बोने के टाइम पे मार्केट से बीटी जीन्स जींस खरीदने पड़ेंगे या बीटी कॉटन वाले सीड्स खरीदने पड़ेंगे तो भैया वो तो बहुत महंगी चीज हो जाती है तो फार्मर्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते इसीलिए हमारे मार्केट में हमारे आ, मतलब हमारे एग्रीकल्चर में बीटी कॉटन इतना नहीं उगाया जा रहा रीजन जीन्स ट्रांसफर नहीं हो रहा ओके चलो कॉमनली यूज वेक्टर फॉर ह्यूमन जिनोम सीक्वेंसिंग अगर ह्यूमंस को हम जीनोम कर रहे हैं भैया बी ए सी वाई ए सी कहाँ यूज किया है अपन ने एच जी पी में बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम ठीक है द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहला हॉर्मोन कौन सा है इंसुलिन किसने बनाया किसने था एली लिली ने एली लिली कब बनाया था 1983 में कहाँ की कंपनी थी अमेरिका की कंपनी थी होस्ट कौन था कोलाई e होस्ट था उसका क्या किया था जीन ए लिया था इंसुलिन का जिसके अंदर ट्वेंटी वन अमाइनो एसिड्स थे और जीन बी लिया था जिसके अंदर थर्टी अमाइनो एसिड्स थे इसको अलग इकोलाई e में ग्रो कराया इसको अलग इकोलाई e में ग्रो कराया प्रोटीन्स निकाल लिए और फिर सल्फर इन्वायरमेंट में डाल दिया ताकि हमको क्या मिल गया हमको डाइसल्फाइड ब्रिजेस मिल गए हमको इंसुलिन मिल गया और उस इंसुलिन को हमने ह्यूम्युलिन बोल दिया इंसुलिन पहला प्रोटीन है जो कि डीएनए टेक्नोलॉजी से बना पहला प्रोटीन है जिसका स्ट्रक्चर मिला किसने दिया था फ्रेडरिक सांगर ने दिया था पहला प्रोटीन है जिसका आए, पहला हार्मोन है जिसका आइसोलेशन हुआ था किसने किया था बेंटिंग और बेस्ट ने किया था ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं ठीक है नेक्स्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ टी डीएन ए इन प्लांट्स इन्वॉल्व टी डी एन ए इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हम तो भैया एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी फेसियन है हम इसको यूज करते हैं टी आई प्लाज्मेट के अंदर टी डी एन ए है उसका वायरल इन नेचर हम बना हटा देते हैं डिसम्ब पैथोजेंस बना देते हैं गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस भैया ए सीधा सीधा है काइंड ऑफ थेरेपी कौन सी थेरेपी थी ए डी ए जी डेफिशिय की जीन थेरेपी कब दी थी चार साल की बच्ची को दी थी 1990 में दी थी कौन सी बीमारी थी उसको ए डी एड ये था उसके अंदर क्या हो रहा था एडिनोसिन डी एंजाइम नहीं बन रहा था नॉर्मल क्योर क्या था उसका नॉर्मल क्योर था भैया या तो बोन मैरो कर दो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो या एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी कर दो एंजाइम रिप्लेसमेंट कर दो बट ये दोनों ही कंप्लीटली क्योरेबल नहीं थे नॉट कंप्लीट क्योरेबल कंप्लीटली क्योरेबल नहीं थे ये तो फिर क्या किया हमने जीन थेरेपी किया जिसके अंदर हम लिम्फोसाइट्स को ग्रो कराया हमने कल्चर के अंदर यानी कि हमने एक्स वीवो जीन थेरेपी करी बाहर निकाल के ग्रो कराया उसके अंदर हमने जीन डिफेक्ट को ठीक किया और वापस अंदर रख दिया पर यह हमें पीरियोडिक करना पड़ता है हर तीन हफ्तों में क्योंकि लिम्फोसाइट्स हर तीन हफ्तों में मर जाते थे अगर हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज कर दें अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कर दें तो फिर ये कंप्लीटली क्योरेबल हो जाएगा ठीक है एडीए थेरेपी के सारे क्वेश्चन आ गए चलो इसका आंसर हो गया विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड कौन से प्लांट्स पार्ट अफेक्ट होते हैं भैया रूट्स को इन्फेक्ट करता है वो टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन आर इंसुलिन आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस ऐसा बॉन्ड होता है डाई सल्फाइड ब्रिजेस का अच्छा बता सकते हो तो ये बॉन्ड किसके कारण बन रहा है सोचो 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 बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है ये बॉन्ड बन रहा है ऐसे अमाइनो एसिड्स के कारण जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट है यानी कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के कारण एग्जाम्पल्स बताओ सिस्टीन और मिथ्योनिन क्वेश्चन आता है कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से हैं सिस्टीन और मिथ्यिन ऑफ दी फॉलोइंग ट्रू फॉर गोल्डन राइस देख रहे हो तुम गोल्डन राइस कितना फेवरेट क्वेश्चन है ऑप्शन देखो व्हाइट में ने आंख बंद करो टिक करो मैं पढ़ भी नहीं रही आगे बढ़ो पढ़ू क्या नहीं कोई जरूरत नहीं है जल्दी विच वॉट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोटॉक्सिन प्रोटोटॉक्सिन कैसे एक्टिवेट होता है वो एक्टिवेट होता है एल्कलाइन पी एच ऑफ गट में एल्केलाइन पी एच ऑफ गट में वो जो क्रिस्टल्स हैं वो सोल्यूबलाइज हो जाते हैं और फिर वो बाइंड करते हैं देखो वो किससे बाइंड करेंगे मिड गट ऑफ एपीथीलियम मिड गट ऑफ एपीथीलियम से बाइंड करेंगे फिर क्या करेंगे वो करेंगे सेल स्वेलिंग बाइंड किया सेल की स्वेलिंग करी सेल लाइसिस हो गया और पोर्स क्रिएट हो गए ठीक है गट से बाइंड किए पोर्स क्रिएट हो गए सेल स्वेलिंग सेल लाइसिस ये सब होता है क्यों होते, है? होते हैं एल्केलाइन पीएच के कारण होते हैं ओके बीटी कॉटन वेराइटी दैट वॉज डेवलप्ड बाय टॉक्सिन जीन ऑफ बैसेज इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट से रेजिस्टेंट इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट प्रीडेटर्स पेस्ट पेस्ट इज अ बेटर वर्ड पेस्ट से ठीक है चलो 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 अब इसको हम बाइंड करते हैं देखो बीटी कॉटन बैसिलस थर हो गया देखो एक बार में अगेन एक बार में आंसर निकला है बीटी कॉटन बैसिलस थरजाइसिस आर्डिनोसिन डिया डिफिशियं क्या हो जाएगा देखो बी का फर्स्ट जीनथेरेपी आर एन ए आई इंटरफेरेंस सेल्युलर डिफेंस यू के रियॉर्ट्स का सेल्यूलर डिफेंस पीसीआर डिटेक्शन ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन हो गया चलो विच ऑफ दॉट करेक्ट इन मैन इंसुलिन इज सिंथिसाइज एज प्रो इंसुलिन सही है नॉट करेक्ट इन करेक्ट पूछा है ओके okay? सही है ये तो प्रो इंसुल हैज एक्स्ट्रा पैप्टाइड कॉल सी पैप्टाइड सही है द फंक्शनल इंसुलिन ए एंड बी चेन लिंकड टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स नो भैया सल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं और ये क्या कह रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन प्रोड्यूस इन इकोलाई हाँ इकोलाई ने करी थी इकोलाई में करी थी एल ने तो सी गलत है सी हो गया वेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्व्स जीन एम्प्लीफिकेशन इज इन एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज इट इज नोन एज यानी कि हमने जीन एम्प्लीफिकेशन किया है किसी जीन को टारगेट करके सो so दैट हम उसकी बीमारी ठीक कर सकें ये भैया हम जीन थेरेपी में ही तो करते हैं कोई भी टारगेट देख लिया कि ये हमारा डिफेक्टिव जीन है हम उसको लेंगे हम उसको एम्प्लीफाई करेंगे और उसके डिफेक्ट को ठीक कर देंगे जीन थेरेपी आर्डिनोसिन डियामिनेस डिफिशियंसी रिजल्ट्स इनटू डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम आर्डिनोसिन डियामिनेस हमने देखा था ये डिसफंक्शन कर रहा है इम्यून सिस्टम का राइट वहां पर एंजाइम नहीं बन रहा था जो कि प्योरीन मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा था याद करो पिछली क्लास में पढ़ाया अपन ने तो डिसफंक्शन फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है लेट हम नहीं कर सकते विच ऑफ दी फॉलोइंग मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आर वेरी यूजफुल फॉर अर्ली हाइब्रिड अर्ली डिटेक्शन देखो अर्ली डिटेक्शन के लिए हम सारी टेक्निक्स यूज करते हैं बट इसमें बेस्ट एलाइजा है एड्स के लिए टेस्ट में यूज होते हैं, तो बहुत जल्दी हम बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा तो भी हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं एलिजा ओके पर्सन ए कैन नॉट स्टेप आउट ऑफ हिज हाउस बाहर नहीं निकल सकता ही हैज टू स्पेंड हिज एंटायर लाइफ इन स्टेराइल आइसोलेशन आइसोलेशन में ही रहना पड़ेगा ही वुड क्विकली कॉन्ट्रैक्ट दफेक्शन अगर बाहर निकला तो इन्फेक्शन हो जाएगा दिस पर्सन हैजमोस्ट नो इफेक्टिव इम्यून सिस्टम कोई इम्यून सिस्टम नहीं है दिस डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेबी इन बबल सिंड्रोम बबल बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं हम इसको कौन सी बीमारी है ये कल भी मैंने पढ़ाया तो स्टूडेंट स्किड ए डी ए स्किड यही तो है वो जो उस चार साल की बच्ची को हुई थी जो कि पिंक मूवी में वो जो बच्ची दिखाई थी जो भी थी उसको हुई थी पिंक द स्काईज पिंक पिंक नहीं द स्काईज पिंक मूवी में एडीएस किड होती है ये जिसके आर्डिनोसिन डियामिनेस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो एंजाइम नहीं बनता जो कि इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फेटल हो जाता है तो उनका कोई इम्यून सिस्टम नहीं होता वो बहुत छोटी लाइफ जी पाता है वो जब तक जिंदा रहते हैं तब तक उन्हें एकदम कंप्लीट आइसोलेशन में रहना पड़ता है ओके अ प्रोड्यूस अ प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग बीटी और टॉक्सिन जीन क्राई वन ए सी क्राई टू ए बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था देखो क्राई 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 ए बी पहले लिख दो क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए बी पहले आते हैं और फिर तीसरा लिख दो सी अब वन पहले आएगा फिर टू आएगा और फिर वन हो गया दो ऑप्शन है अपने पास कॉटन बॉलवॉम और कॉर्न बोरर ओ आर एंड ओ टी आर पहले आ रहा है ये पहले आएगा तो क्राई वन ए बी से कॉर्न बोरर क्राई वन ए बी से कॉर्न बोरर मरता है और क्राई वन ए सी क्राई टू ए बी से बॉलवॉम मरता है कॉटन बॉलवॉम कॉटन बॉल वॉर्म मरता है तो भैया सीधा सीधा आंसर हो गया हमारा क्या बॉल वॉम सिंपल ये टेक्निक थी ठीक है चलो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बोबाइन समटाइम्स कॉल्ड आरबीएसटी और रिकॉम्बिनेंट बोवाइन सोमैटोट्रोफिन और आर बी जी एच रिकॉम्बेनेट बोवाइन ग्रोथ हार्मोन इज यूज इन देखो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया ये डेयरी इंडस्ट्री में यूज होता है एक्चुअली में जो हार्मोन है ये हम कैटल्स वगैरह में एड ऑन करते हैं ग्रोथ हार्मोन है उनकी ग्रोथ वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए इससे ज़्यादा तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर बोवाइन आर बी एस टी ऐसा या आर बी जी एच ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर डेयरी इंडस्ट्री होगा दैट्स इट इससे ज़्यादा की तुम्हें जरूरत नहीं है एक्चुअली जो बोवाइन वर्ड है ना स्टूडेंट्स ये हम कैटल्स के लिए यूज़ करते हैं तुम्हें तो याद होगा तुमने प्रायन्स की एक बीमारी पड़ी है बोवाइन इंसेफेलोपैथी याद करो प्रायन्स की डिजीज़ पड़ी है जो कि इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं तो वहाँ पे भी जो बोवाइन है ना उसको हम मैड काउ डिजीज़ भी कहते हैं मैड काउ डिजीज़ या बोवाइन इंसेफेलोपैथी यहाँ पे भी बोवाइन आ रहा है काउ कैटल डेयरी इंडस्ट्री ऐसे कर लेना ठीक है हेरोडिन हेरोडिन के बारे में मैं तुम्हें बता चुकी हूँ क्या पढ़ा था अपन ने हेरोडिन के बारे में कि भैया ब्रासिका नैपिस में बनता है जो लीच थी लीच के अंदर हमने हेरोडिन को कोड करने वाला एंटीको आगुलेंट को कोड करने वाला जीन निकाला और उसे ब्रासिका नैपिस में डाल दिया और फिर इसने बनाए हेरोडिन प्रोटीन्स उसको हमने निकाला कलेक्ट किया और वो इंजेक्शन हम ऐसे लोगों को देने लगे जिनके बॉडी के अंदर ही ब्लड जम जाता था ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ओके okay, so स्टूडेंट्स तो विद दिस हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के पीवाईक्यू डिस्कशंस कंप्लीट कर लिए हैं तो वी विल मीट इन सम अदर क्लास विद द न्यू टॉपिक टिल देन थैंक यू हैव अ हैप्पी लर्निंग